नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मैं पेश हो गया हूं पार्ट नंबर 4 के साथ। दोस्तों, आपने पार्ट तीनों पार्ट को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को, तीनों को ही अच्छा रिस्पांस दिया है। आई होप आपको ये फायदा कर रहा है। अगर आपने तीनों पार्ट को रिस्पॉन्स दिया है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप जो है, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इस बुक को पूरा कंप्लीट करा सकूं। अब देखिए, अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कैसे हो पाएगा, क्वेश्चंस तो बहुत है। आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो चला रहे हैं 20-20 करके। अगर टाइम कम पड़ गया तो आपके लिए एक दिन में 100 क्वेश्चन वाला भी आएगा, 100 क्वेश्चन, या फिर हो सकता है आपके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ मैराथन क्लास का। ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है। तो आप परेशान मत होइएगा, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। तो क्या करना है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले से पहले खुद करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर हम अपने सेट्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए, पहला क्वेश्चन, निम्न में से एकदम भिन्न को चुने, मतलब इसमें से कोई अलग है, उसको भिन्न है, उसको क्या करना है, चूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 15/20 मतलब ये क्या है, 3/4। ओके, ये क्या है, 12 से गया तो 4/5, क्या है, 4/5। ये देखिए, 7 से गया 3 और 7 से गया 4, मतलब ये भी आया 3/4। ये 25 से गया 3, ये आया 4, मतलब 3/4। अलग कौन हो गया, ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मशीन के निर्माण के मूल्य की सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया और उसका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 ठीक है रुपए है, तो मशीनरी की मूल्य का पता लगाएं। यहां देखिए, सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च का जो ये रेशियो है ये बता दिया गया है, मतलब 1 की वैल्यू बता दी गई है, 1,49,500। तो पूछ रहा है, तो मशीनरी की मूल्य का पता लगाएं। तो मशीनरी की मूल्य किसमें है, 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 5:3:8, इसका मतलब 5 और 3 8 9, तो मुझे 9 की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1,49,500। जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा 13,45,550। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिनके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए, प्राप्तांक क्या है, 0 से 10 नंबरों के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 11 से 20 में 9 है, इसी प्रकार 16, 22, 26, 18, 11, 6, 4, 3 है, अलग अलग प्राप्तांक के रेंज में। बोल रहा है यदि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 41 है, 41 क्या नंबर है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। अगर पासिंग परसेंटेज नंबर, पासिंग नंबर 41 है, 41 है पासिंग नंबर, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 41 के पीछे जितने भी होंगे उनको क्या करूंगा, जोड़ लूंगा और वो डिवाइड करके नंबर ऑफ टोटल कितने होंगे उससे डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 22 52, आउट ऑफ इन सब का ग्रैंड टोटल आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये गया 20 से 5 बार, ये गया 20 से 6 बार, राइट, ये गया 20 से 5 बार, ये गया 20 से 6 बार। ओके, तो अब किससे जाएगा, किसी से जाएगा, नहीं जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो देखिए, 6 7 42, 6 48, 8 मतलब 40 से ज़्यादा,
40 से ज्यादा, थोड़ा ही सा ज्यादा, मतलब कौन सा ऑप्शन है? देखिए सिर्फ 43 है, लगा के आगे बढ़ो, 40 से ज्यादा था, थोड़ा सा ज्यादा था, सॉल्व करने की क्या जरूरत है, बढ़ते हैं, कुछ आएगा 43.33 के राउंड में आएगा, विच इज इक्वल टू 43, तो ऐसे करके ढूंढना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित, उफ वन सेकेंड, बोल रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए? 80% से ज्यादा मतलब 81 और 91, इन दोनों की कहानी हमें बतानी है। तो कितने लोग हैं? 4 और 3 7 आउट ऑफ 120, एंड मल्टीप्लाई परसेंटेज, फॉर परसेंटेज कन्वर्जन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, सो 5/6, देखिए ये हो गया 35, ठीक है, मतलब 6 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन है, 5.8, ऑप्शन नंबर बी लगाइए और आगे बढ़िए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच अंक प्राप्त किए हैं? 41 से कितना? 70, 71 से 70 तक, 40 से 70 तक, इसका मतलब यहां से लेके सिर्फ यहां तक, मतलब 26 + 18 + 11, ये हो गया आपका 29, और 29, 29, और ये हो गया 26, इसका मतलब 5 और 55 आउट ऑफ 55 आउट ऑफ 120 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 5/6। यहाँ से देखिए तो ये क्या हुआ, 6 9 54, मतलब 9 9 के आसपास ले देते हैं, मतलब 45 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन है, 45.8, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 60 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष में, 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी? तो अभी अगर 60 लाख है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है? 15% के हिसाब से बढ़ रहा है, इसका मतलब 115/100, लेकिन ये कौन से, कितने वर्ष का केस है? 2 वर्ष का, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, है ना, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 0 0 0 चार गए। अब देखिए 11 × 115 × 115 है ना, मतलब 115 का स्क्वायर, 5 में क्या होता है, 5 का 25 लिख दो, और एक बड़ा के मतलब 11 11 × 12 कितना होता है, 132 होता है ना, 12 12, हाँ 132 होता, फाइन, सो 132 25 आ जाएगा, ठीक है, और इसके आगे कितने जीरो, 2 0 है ये ऑप्शन में, नहीं, 1 सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाई 6, 6 से मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गए, है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, 1 3 2 5, ओके 0 0, फाइन फाइन फाइन, सो कितना आ जाएगा, 7 9 3 5 0 0 0, ये है ऑप्शन में, 7 9 5 3 5, राइट, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 0.000825 डिवाइडेड बाय 0.05 का मान क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, 0.000825 होल डिवाइडेड बाय 0.05, इसको उठाया ऊपर लेके कितने जीरो, 2 0, और इसको उठाया तो 1 2 3 4 5 6, नीचे लेके 1 2 3 4 5 6, 2 से 2 गया, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 825 डिवाइडेड बाई 5, 1 2 3 4, है ना, लिख दिया। अच्छा अब देखिए 5 से मैं इसको उड़ाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1, और 3 2 6 2 5, 165, लेकिन यहाँ कितने हैं, 4 0 हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.0165, सो ऑप्शन नंबर है ये, ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा,
कॉसेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक मतलब वन अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय, और ये क्या है डिवाइड का केस है, इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लूँ, सो वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। अच्छा आइए, साइन से साइन गया और वन कॉस कॉस नीचे रह गया, इसका मतलब वन अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल करें, ए टू द पावर माइनस टू और माइनस वन होल डिवाइडेड बाय क्या है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन। अच्छा इसको आप ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन ए का स्क्वायर, है ना। ये ऊपर अगर पावर में नेगेटिव में हो तो इसको मैं नीचे उतार के नीचे करके डिनोमिनेटर में इसको मैं पॉजिटिव वे में लिख सकता हूँ, और फिर माइनस वन ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर माइनस वन, बीच में क्या है, बीच में है डिवाइड, है ना। अच्छा बुक में जो है रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक में ये क्वेश्चन जो है गलत प्रिंटेड है, उसमें ना ये ब्रैकेट लगाना वो लोग भूल गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो अब देखिए अब क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा सिंपल, सो वन माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर और क्या होगा, और होगा डिवाइडेड बाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, सो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। अच्छा ऊपर अगर मैं सेटिंग ऐसे लिखूं कि ए स्क्वायर माइनस वन और बाहर नेगेटिव लगा लूं, सो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर मैं इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर डालिए, तो माइनस ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे है ही, और माइनस माइनस प्लस तो वन हो जाएगा, प्लस तो यहाँ पे भी वही है, प्लस वन कुछ नहीं है तो प्लस है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, इससे गया ये तो आ गया माइनस माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल रूप में लिखें अंडर रूट ऑफ 50 प्लस अंडर रूट ऑफ 18 माइनस अंडर रूट ऑफ 8। सो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 25, है ना, प्लस इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9, है ना, और इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2। अब मैं 25 को बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2 प्लस 3, 9 को बाहर निकाल लूँ 3 आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस 4 को बाहर निकाल लूँ तो 2 आ जाएगा 2 रूट 2, ये हो गए 8, 8 से 2 गए तो बचे 6, तो आ गए 6 रूट 2, तो ऑप्शन नंबर सी। फाइन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक सम चतुर्भुज की विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सम चतुर्भुज का केस में क्या होता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, डी वन की वैल्यू ये दी हुई है, डी टू की वैल्यू ये दी हुई है, लगा दो फॉर्मूला भैया। सो डी वन 8, 6 कितना हुआ 4, 24, सो 24 आ गया 24 वर्ग मीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि रीना 12 मोबाइल फोन 188,160 में बेचती है जिसका क्रय मूल्य रुपए 14,056 प्रति फोन है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। अच्छा एक फोन की कीमत कितनी है 14,056, पहले मैं निकाल लूं उसने 14,056 में जो 56 जो 12 फोन खरीदे हैं, ठीक है, तो उसको टोटल पैसा लगा कितना, है ना, और फिर जो बेचने में लगा ये हुआ, माइनस कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा उसको लाभ कितने रुपए का हुआ, यहाँ पे रुपए में पूछे गए हैं, परसेंटेज में नहीं है, है ना। सो 12 × 14056 राइट, तो विच इज इक्वल टू 16876 और इससे मैं इसको और इसको क्या करें, इसको और इसको माइनस कर दे, आंसर आपके सामने आ जाएगा 19,488 रुपए का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम और रहीम एक दूसरे से 6
680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वह क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वह कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? देखिए, राम और रहीम यहाँ से जो एक दूसरे से 680 मीटर दूर है। अच्छा, वो क्या बोल रहा है? वो एक 8 मीटर पर सेकंड और एक 9 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब एक इधर बढ़ रहा है तो एक इधर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये रिलेटिव स्पीड वाला केस हुआ। अगर अपोजिट होता है तो क्या होता है? दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। अच्छा, दोनों की स्पीड जुड़ रही है। पूछ रहा है वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। जब वो आपस में मिलेंगे तो वो लोग यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है कवर कर लेंगे एक दूसरे से, है ना। तो टोटल कितनी कवर करेंगे? 680। और स्पीड निकालनी, स्पीड कितनी हो गई? 8 प्लस 9 मतलब 17, है ना। तो यही है तो आ गया टाइम। स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आइए, ये मीटर पर सेकंड में ही आ जाए। ये मीटर है और ये क्या है, ये आपका क्या है, ये मीटर पर सेकंड है। मीटर से मीटर जाएगा तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो कितना हुआ? 40 सेकंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल करें। सो 2 1/3 - 1 1/2 का 3/5 प्लस 1 2/5 डिवाइडेड बाई 2 1/3। सो आइए, मिक्स्ड को मैं सिंपल फ्रैक्शंस में पहले बदल लेता हूँ। 2 1/3 को लिख सकता हूँ 6/7 60/3 माइनस 7/3 माइनस, ये हो गया कितना, 2 और 1 3 3/2। अच्छा, का दिया हुआ है मतलब मल्टीप्लाई, पहले का करना है। तो ये हो गया प्लस, ये कितना हुआ, 5 5 और 2 7 7/5। और ये क्या डिवाइडेड में है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर पहुंच जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा, 6 और 1 7। ठीक है, तो 7 से 7 गया। तो ये इस तरफ तो आ गया, इस तरफ क्या आ गया, इस तरफ आपका आ गया 3/5। इस तरफ की कहानी देख लेते हैं। इस तरफ की कहानी 6 LCM ले लो तो 2 14, है ना। और यहाँ पे क्या कहानी बचेगी, यहाँ पे बचेगी 3 3 9, है ना, और मल्टीप्लाई में 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई में 3/5। तो 5 से 5 गया, 3/6 मतलब 1/2 प्लस 3/5। तो एलसीएम लो 10 और ये हो गया 5, है ना। तो 5 + 2 = 6, इसका मतलब 11/10। आइए इसको फिर से और सिंप्लीफाई करते हैं। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1/10 है ये ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, क्या है, 3:5:9:13 है और एक चतुर्भुज के कोण कितने होते हैं, 360। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, है ना, फॉर्मूला पता है कि नहीं, n-2 × 180, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो इससे आप टोटल जो कोण है, टोटल एंगल है किसी भी क्या बोलते हैं, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे ट्रायंगल हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, आप निकाल सकते हैं, है ना। जितने भी एन है, एन क्या होंगे, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, है ना। अगर सपोज 3 हुआ तो 3 - 2 = 1, मतलब ट्रायंगल का 180 आपको पता ही है। देखिए, 4 में कितना हुआ, 4 - 2 = 2, 2 × 180 मतलब 360 आ गया, ये 360, है ना। सो 360, तो इसका मतलब ये इस रेशियो में बटा हुआ है ना। तो पहले मैं निकाल लूँ कि 3 और 5 = 8, 8 + 8 = 16, 17 + 3 = 30, 30 की वैल्यू क्या हुई है, 360 है, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 12, है ना। किसका पूछ रहा है, सबसे बड़े वाले का, सबसे बड़ा वाला कौन है, 13 है। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 12 × 13 बड़े वाले की पता चल जाएगी, 105/6, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और उसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर x एक अभाज्य संख्या, सपोज 5 एक अभाज्य संख्या है ना, है ना, 5 तो प्राइम नंबर है, सिर्फ 5 और 1 से ही जाता है ना, अभाज्य संख्या है। तो इसका और क्रमिक संख्या मतलब 6,
फाइव एंड सिक्स का एलसीएम क्या होगा यार, जब इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करके ही तो निकलेगा ना। सो फाइव इंटू सिक्स करके इसके एलसीएम निकल जाएगा 30। एक और एग्जाम्पल देखिए, सेवन ए का भाज्य है, सेवन और एट, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेवन इंटू एट 56 हो जाएगा, है ना। तो सेम फैशन, तो सिमिलरली क्या है, अगर एक से और तो इसका एलसीएम निकालूंगा इसके साथ, तो ये एक्स प्लस वन है, ये ऑप्शन में एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। अच्छा, काम का कितना हिस्सा बाकी है। चलिए, जो सिमता है एस, वो कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, और सैम को मैं एम से कर देता हूं, ठीक है, वो कितने दिन में काम कर सकता है, 9 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है ना। तो आइए सबसे पहले क्या कर लूं, उनका एलसीएम निकाल लूं, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा कितना, 36, मतलब ये होगा 3 इसकी एफिशिएंसी, है ना, 3, और ये मतलब एक दिन में ये 3 काम कर सकता है, और एम जो है, एम मतलब सैम जो है, सैम एक दिन में 4 काम कर सकता है। अब बोल रहे 4 दिनों तक एक साथ काम किया, अगर वो दोनों एक साथ काम करते एक दिन में, तो एक दिन में वो लोग एक साथ कितना काम करते हैं, 4 + 4 + 3 मतलब 7 काम करते हैं, है ना। कितने दिन काम किए उन लोगों ने, 4 दिन, मतलब 28 काम जो है वो तो एंड हो गया। बचा कितना काम है, 36 में से माइनस करो तो बचा कितना काम है, 8 काम बचा हुआ है ना। सो काम का कितना हिस्सा बाकी है, 8 हिस्सा, कितने में से, 36 पूरा काम था, है ना, तो इसका मतलब 4 से किया तो 2/9 हिस्सा बचा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है, 27 विद्यार्थियों का औसत क्या हुआ है, 22 ईयर्स है। यदि उसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। अध्यापक को अगर मैं करूंगा तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 27 + 1 = 28, और इस बार क्या बोल रहा है, औसत 1 बढ़ गया मतलब 23 हो गया। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करिए, देखिए इसको बहुत सिंपल है, ये 28 × 23 और माइनस करके 27 × 20 कर दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए दिमाग कैसे लगाएंगे, अगर जो अध्यापक है अगर वो भी 22 साल का होता तो कोई चेंज नहीं आता औसत में, औसत तो सेम रहता, है ना, लेकिन सिंस वो बड़ा है इसलिए क्या है, ये औसत बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है, 1 से बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है, 1 से बढ़ गया है। पहले कितना था, पहले कितना था, 22 था, लेकिन 1 से बढ़ गया है, इसका मतलब कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग आ गए हैं, 27 + 1 = 28 जोड़ दो, है ना, ये देखो इनको जोड़ दो, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 50। अंडरस्टूड, अगर इस तरीके से समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करो माइनस करो, आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अच्छा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का छूट दे रहा है, 20% का। सपोज उसका अंकित मूल्य था 100, तो 20% छूट देने के बाद आफ्टर डिस्काउंट द कॉस्ट विल बी ऑफ 80, है ना, द प्राइस विल बी 80, राइट। लेकिन ये जो 80 है छूट देने के पश्चात, मतलब 80 में बेच रहा तब भी वो 12% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 112 है ना, 12% प्रॉफिट कमा रहा है ना, 12 है। सो आइए मैं क्या कर लेता हूं, और उसका किराया मूल्य क्या होगा, ऑब्वियसली 100 होगा, तो आइए 100 की वैल्यू मैं पता कर लेता हूं। अगर 112 की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में मतलब वो खुद में उसने कितने में खरीदा, है ना, ये हुआ कहानी, समझ में आ रहा है। ओके आइए, तो 40, ये हुआ कितना, 56, ये गया 20, और ये हुआ कितना, 2 = 28, 16, ठीक है। उसके बाद ये कितना हुआ, 10, ये हुआ कितना, 14,
ये हुआ 7, ये हुआ 5, इसका मतलब क्या हुआ 500/7। अच्छा बोल रहा अंकित मूल और किराए मूल, किराए मूल मैंने कितना लिया था 100 लिया था, किराए मूल क्या लिया था 100 है ना, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 500/7, 500/7 आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 20%। फाइन, तो बोल रहा है अंकित मूल्य किराए मूल से क्या कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत क्या अधिक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूँ, या ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, कर सकता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 700, है ना, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, ये होगा कॉस्ट प्राइस, नहीं ये कॉस्ट प्राइस, ये SPCP हटाओ, ये समझ में आ रहा है कहानी, ये वाली कहानी कंफ्यूजन हो रहा है, ये कहानी समझ में आ रहा है आपको, है ना, समझ में आ रहा है ना, तो देखिए ना 500 से 700, अच्छा 500 से 700 बहुत बढ़िया, देखिए तो कितने का डिफरेंस 200 का, किस पे 500 पे, है ना 500 ही तो घटाए थे, है ना, देखिए ना अधिक कितना हो रहा है 200 अधिक हो रहा है ना, किस पे 500 पे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, काटा पीटी करो, आंसर आ गया 40%, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें साइन कॉस की वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर पाना है, राइट, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/4, अच्छा कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/3 और प्लस प्लस 1/2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा 1, है ना, साइन थीटा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, ओके माइनस 2, ये माइनस 2 इंटू कॉस 0, ये तो 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 24, तो भैया ये वाली टर्म तो चली गई क्या, 0 हो गई, है ना, ये क्या हो गई 0 हो गई, तो ये लिख दूं, सो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 2 1/2 प्लस 1/24 विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 24, तो कितना हुआ 3, तो 3 ये हुआ कितना 8 32 और ये हुआ कितना 12 12 और ये हुआ 1, तो 1, ठीक है ना, तो आइए कितना हो गया ये 13, 13 और 3 16, 16 और 32 मतलब 48, 48/24 मतलब 2, आंसर आ गया 2। तो दोस्तों ये था 20 क्वेश्चंस, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो एक एक में मैराथन क्लास लगा देंगे, 100 100 क्वेश्चंस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सब हाजिर है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और सुनिए इसकी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से उसको ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।